इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन द्वारा गंगानगर राजस्थान में 5 से 8 मार्च तक आयोजित किए गए 10वीं राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के ब्लाइंड जूडो खिलाड़ी मुर्तजा अली ने 90 किलोग्राम वजन वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वैसे तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हर रोज छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासी किसी न किसी क्षेत्र में अपना परचम लहराते नजर ही आ जाया करते हैं। ऐसा ही कुछ अलग कर दिखाया है नगरपालिका परिषद जामुल के वार्ड 1 के निवासी मुर्तजा अली ने। जी हां, मुर्तजा अली दृष्टि बाधित है और राजस्थान के गंगानगर में 5 से 8 मार्च के दौरान आयोजित की गई 10वीं राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता के 90 किलोग्राम वर्ग में मुर्तजा अली ने हरियाणा के प्रतिद्वंदी को मात देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है और अब मुर्तजा अली को पैरा ओलंपिक के सिलेक्शन ट्रायल के लिए चुना गया है। मुर्तजा अली इसके तहत 3 अन्य देशों का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर इस सुनहरे अवसर को प्राप्त भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है, उसी प्रकार भारत देश के लिए भी पदक हासिल करना वो चाहते हैं। मुर्तजा अली का कहना है कि उनका परिवार, उनके प्रशिक्षक, उनके मित्रगण के अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों ने उनकी काफी मदद की है और उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें इस तरह प्रशिक्षण दिया है कि वो पैरा ओलंपिक के लिए अपना चयन जरूर करवा कर दिखाएंगे। मुर्तजा अली, हमने ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप पैरा ओलंपिक गेम जो है विकलांगों का, उसमें खेलते हैं और मेडल राज्य के लिए जीत के लाते हैं। तो अभी जो राजस्थान में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, उसके लिए आपका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ था? उसके लिए हमारा सिलेक्शन बिलासपुर में नेशनल स्टेट ट्रायल हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ की टीम सेलेक्ट होकर राजस्थान श्रीगंगानगर में 10वीं राज्य स्तरीय जूडो सीनियर चैंपियनशिप में हमारी टीम ने भाग लिया और वहाँ पे कुल 2 स्वर्ण और 6 पदक प्राप्त हुए। कितना मुश्किल रहा वहाँ पर आपको गोल्ड मेडल लाना? कोरोना के कारण प्रैक्टिस में उतना खास ध्यान नहीं था, फिर भी अच्छा प्रदर्शन हुआ और थोड़ा टफ रहा फाइनल फाइट हरियाणा के साथ, फिर बाजी मार ली और राज्य के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त की। अभी जैसा कि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक स्वर्ण पदक हासिल किया है, राज्य की टीम में थे आप, क्या अपेक्षा रखते हैं राज्य की टीम से आगे अपने लिए? अभी यहाँ से मेरा जो सीढ़ी है ओलंपिक क्वालिफाई करने का वो शुरू हो गया है। इस साल मैंने 3 इंटरनेशनल क्वालिफाई किए हैं जो कि तजाकिस्तान और तुर्की और ब्राज़ील में हैं, और आने वाले समय में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2024 फ्रांस ओलंपिक की तैयारी में कंटिन्यू मुझे करना है और ओलंपिक में भारत के लिए पदक हासिल करना है। छत्तीसगढ़ शासन से क्या मदद चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ शासन हमें आने जाने का TADA स्पोर्ट्स विकलांगों के लिए एक प्लेटफॉर्म और ऐसी सुविधाएं जिससे हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक में मेडल ला सके, ऐसी सुविधा चाहिए सरकार से। आज जैसा कि आपने बोला कि कोविड काल की वजह से प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाई थी, और ऐसे में गोल्ड मेडल लाना किसको श्रेय देते हैं? ये सब मेरे कोच, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार जो मेरे जूडो के पार्टनर हैं, और जो वो लोग जो मुझे हौसला देते हैं, और मालिक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यो इतने मुश्किल समय में भी मुझे आगे बढ़ाने के लिए दिल में अपनी मोहब्बत और जज्बा प्रैक्टिस करने का डालते रहे। हमारे कोचेस, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे वार्ड के पार्षद और ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद की, और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग होना है जी, तो किस तरह की तैयारी करनी होगी उसके लिए? मुझे बहुत हार्ड प्रैक्टिस, पावर प्रैक्टिस, टेक्निक प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस और उसमें इम्प्रूव लानी है, और डाइट में विशेष ध्यान देना है, और जो किट्स हैं विकलांगों को, हम लोगों को किट्स की सुविधा भी जरूरी है। परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको आपके गेम खेलने को लेकर के? परिवार से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है, हर एक एक छोटी छोटी बात वक्त आने पर पूरी कर दी जाती है, और कोचेस भी बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उत्साह और जज्बा देते हैं।
तो आपको यकीन है कि अगर आपको मौका मिलता है, मौका तो मिल चुका है, अगर आप पार्टिसिपेशन करते हैं ओलंपिक के चयन प्रक्रिया में, तो बिल्कुल आप आज छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे हैं, कल भारत के लिए खेलेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत जल्द मैं इंडिया के लिए और पार्टिसिपेट करूंगा और पदक, पूरी उम्मीद है कि पदक ला के अपने मुल्क का, अपने राज्य का और अपने गांव का और अपने कोचेस का, अपने परिवार का नाम रोशन करूँ। मुर्तजा अली के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उनकी माता जी ने उनके इस हुनर को देखते हुए भरपूर सहयोग किया और हमेशा अपने खुदा से यह दुआ किया कि मुर्तजा अली जिस प्रकार छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है, उसी प्रकार पूरे भारत देश का नाम भी रोशन करे। मेरा नाम तनुजा बेगम, बहुत खुशी हो रही है मेरा बेटा यहाँ तक से पहुँचा है। तो आज आपके बेटे ने जितनी मेहनत की है, उसकी मेहनत में और भी लोग साथ हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए, किस तरह से वो लोग साथ देते हैं? सपोर्ट करे हैं शेख शरीफ, उनके लिए बचपन से उनको सिखा रहे थे, उसी के थ्रू से इतने दूर पहुंचा है वो। आज उन्होंने राज्य के लिए पदक लाया है और अब उनका सिलेक्शन होने जा रहा है ओलंपिक के लिए, जिसके लिए उन्हें 3 जगहों पर पार्टिसिपेशन करना है। क्या लगता है वहाँ भी कामयाब होंगे? इंशाल्लाह हो सकता है, दिल में तो ऐसी लग रहा है कि आगे बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो आपका किस तरह से उनको सपोर्ट रहता है? मैं तो अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट करती हूँ उसको, समझाती हूँ कि ऐसा करो तो अच्छा होगा। ये जो खेल है, ये थोड़ा सा आक्रोश का खेल है, इसमें थोड़ा सा जो मैदान है उसमें थोड़ा गुस्सा लाना पड़ता है, लेकिन क्या वहाँ पे अगर जैसे गुस्सा रहते हो, घर में कैसा इनका रहता है माहौल? वैसी है अच्छा वैसी है, शांत भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि। तो आप उम्मीद करती हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाए ओलंपिक में? जी। क्या दुआ करती हूँ ऊपर वाले से? बोलती हूँ कि मेरे भी हम उनके परिवार के नाम रोशन करें, अपने कोच का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। ब्लाइंड जूडो प्लेयर मुर्तजा अली ने छत्तीसगढ़ शासन से मदद की अपील की है, जिससे उनके 3 देशों की यात्रा पूरी हो सके और वे पैरा ओलंपिक में भारत के लिए खेलकर और पदक जीतकर भारत का झंडा लहरा सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।